हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं हिंदी भाषा में आपको बताऊंगा दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज और इंडेक्स। सिर्फ 20 है इसका नंबर, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनमें से चार पांच ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसका हेडक्वार्टर है, जैसा कि नाम में ही है, न्यूयॉर्क। कई बार एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है NY, ऐसे ही लिखा हुआ, तो NY से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये है न्यूयॉर्क। दूसरा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नैसडैक। नैसडैक है अगेन यूनाइटेड स्टेट्स और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, इंडेक्स का नाम है FTSE 100 और ये यूनाइटेड किंगडम में है और हेडक्वार्टर है लंदन में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, इसका इंडेक्स है निकी 225, जापान, और हेडक्वार्टर है जापान की राजधानी टोक्यो में। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है SSE कॉम्पोजिट, चाइना के अंदर, हेडक्वार्टर है शंघाई। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है हैंगसेंग इंडेक्सेस और इकोनॉमी दिखाता है हांगकांग की, हेडक्वार्टर है हांगकांग में। यूरोनेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स है 4 AEX इंडेक्स, BEL 20, PSI 20 और CAC 40। जो इकोनॉमी है वो चार देशों की है, नेदरलैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल एंड फ्रांस। नेदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम, बेल्जियम की ब्रुसेल, पुर्तगाल की लिस्बन और फ्रांस की पेरिस, तो इनके जो हेडक्वार्टर है इनकी राजधानी में है। शेंजन स्टॉक एक्सचेंज ये है चाइना में, हेडक्वार्टर है शेंजन में, नाम है SZSE कॉम्पोजिट इंडेक्स। डॉश बॉर्स जर्मनी का इंडेक्स है, जर्मनी, इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडेक्स है DAX। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना, 1875 में बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कई बार ये भी पूछते, ये कई बार आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या फ़र्क है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत नया है, 1992 में बना था, जब लिबरलाइजेशन हो गई थी, इकोनॉमी खुल गई थी उसके बाद, तो तब बना था। और अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी आगे निकल गया है कुछ ही सालों में, और ज़्यादा कंपनियाँ अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर, अगर मैं टोटल वैल्यू की बात करूँ तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादा है, उसका जो वैल्यूएशन है वो ज़्यादा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब ज़्यादा शहरों में हो गया है, उस पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अभी हैं, जैसे रिलायंस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर है, जैसे TCS है, या HDFC है, ONGC है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर हैं। तो अलग अलग कंपनियाँ, कोई कंपनी ऐसी भी हैं जो दोनों पे लिस्टेड हैं, जैसे इन्फोसिस है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी है, तो ये डिपेंड करता है। और इंडेक्स है सेंसेक्स, सेंसेक्स को बोलते हैं सेंसिटिव इंडेक्स, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सेंसिटिव इंडेक्स, और इंडिया को, इंडिया की इकोनॉमी दिखाता है ये, जो हमारी जो कंपनीज़ हैं उनकी सारी लिस्टिंग यहाँ पर होती है और हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जैसा मैंने बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, इंडेक्स है निफ्टी, और इंडिया में ये भी है मुंबई में, 1992 में ये बना था। अगला है 6 स्विस एक्सचेंज, ये है स्विट्ज़रलैंड का, इसका हेडक्वार्टर है ज़ूरिक में और इंडेक्स है SMI, विच इज़ स्विस मार्केट इंडेक्स। ऑस्ट्रेलिया का इंडेक्स है सिडनी में, इसका नाम है SNP ASX 200, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज, ASX। कोरिया कोस्पी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोस्पी, साउथ कोरिया, राजधानी सियोल के अंदर। OMX नॉर्डिस एक्सचेंज, OMX नॉर्डिस 40 इसका नाम है, नॉर्दर्न यूरोप में, आर्मेनिया, और स्टॉकहोम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। पूरे नॉर्दर्न यूरोप की इकोनॉमी दिखाता है और साथ में आर्मेनिया की, और इसका हेडक्वार्टर है स्टॉकहोम। JSE ये जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज है, जोहानिसबर्ग स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, FTSE JSE साउथ अफ्रीका का की इकोनॉमी और हेडक्वार्टर है जोहानिसबर्ग। BME स्पेनिश एक्सचेंज, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, नाम है IBEX 35। और ताइवान स्टॉक एक्सचेंज TSEC ताइवान की राजधानी ताइपी में। BMNF बोबेस्पा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बोबेस्पा इंडेक्स इज़ इन ब्राज़ील एंड हेडक्वार्टर इज़ इन साओ पोलो। एंड द लास्ट इज़ टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज, SNP TSX कॉम्पोजिट, कैनेडा टोरंटो। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट स्टॉक इंडेक्सेस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बताना है कि निकेई किस देश का इंडेक्स है, निकेई। थैंक यू।